हाय दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आप सभी को दिख रहा है, ये एक रेशम का कीड़ा है जो इसने चारों तरफ से इसे बुन के अपना घर बना लिया है और इसी से रेशम के धागे निकलते हैं। तो हम इसे काट के देखेंगे इसने यानी कैसे रेशम के धागे को बनाया हुआ है। तो इसे हम काटेंगे ऊपर से और देखेंगे कि कैसा दिखता है। तो ये दोस्त मेरा इसे कट कर रहा है और इसका कवर कुछ ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है मुझे और ये कट नहीं रहा ब्लेड से भी। तो मेरा फ्रेंड इसे ट्राई कर रहा है काटने के लिए और इसमें शायद कीड़ा भी है, तो क्या पता ये कीड़ा मर चुका है कि जिंदा है। और तो ये काटते समय हमें देखेंगे इसे कि जिंदा है कि नहीं। तो ये ऑलमोस्ट कट हो ही गया है, तो ये देखिए कट हो गया और इसमें हम चेक करेंगे। ये देखिए इसके अंदर कीड़ा है, वो ये कीड़ा शायद जिंदा है इसके अंदर। ये देखिए ये कीड़ा लाल कलर का कीड़ा है, इस कीड़े को निकालो। इसने काफ़ी हार्ड अपने आप को कवर करके रखा है। ये धीरे धीरे कट हो रहा है, अब ये देखो कीड़ा निकल रहा है। तो अभी ठीक से कटा नहीं है और काटना पड़ेगा लगता है मुझे। तो ये पूरी तरह कट हो गया और ये हमारा कीड़ा बाहर आ गया, रेशम का कीड़ा। जिंदा है क्या ये कीड़ा, दिखाओ जरा, निकालो निकालो ये कीड़ा, निकालो ये कीड़ा आ गया हमारा बाहर। क्या पता जिंदा है कि नहीं कि मर गया है। ओ अरे माँ कसम, पूरा ये तो जूसी एकदम। ये रहा हमारे रेशम का कीड़ा और इसका कवर दिखाओ कवर। और ये रहा इसका कवर, जो इस कवर में ये सोया हुआ था। इसने काफ़ी हार्ड कवर को बुन के रखा हुआ है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अब ये पता नहीं कीड़ा जिंदा है कि मर गया है। शायद ये कीड़ा जिंदा है और यही शायद मुझे लगता है ये बटरफ्लाई बन जाएगा, क्या पता, मुझे नहीं पता, पर ये जिंदा है।